उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सपा कार्यकर्ताओं ने हाथरस में हुई दरिंदगी व किसान विरोधी बिल को लेकर सत्याग्रह किया है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री ने विशेष तौर पर शिरकत की। बता दें कि सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती है। महात्मा गांधी ने बहुत से ऐसे आंदोलन करके इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का काम किया है, परंतु दुर्भाग्य है आज देश आजाद होने के बाद भी एक बार फिर सांप्रदायिक ताकतों का गुलाम हो गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलकर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ सत्याग्रह किया गया है। जिस तरह से हाथरस में एक बेटे के साथ गैंगरेप कर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जबान काट दी गई और सफदरगंज अस्पताल में उस बच्ची ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। उसके बाद योगी सरकार की पुलिस ने जबरदस्ती रात को 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार बिना माँ बाप के बिना परिवार के ही कर दिया, जो सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसान विरोधी कार्य कर रही है। सरकार की नीतियों के किसानों को बर्बाद करने वाली है। अमरोहा से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। शांति से रहो, 10 मिनट और बस। गांधी जी की जयंती आज हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाकर, दांडी मार्च चलाकर और बहुत सारे आंदोलन चलाकर हमारे देश को आज़ाद कराने का काम किया था। हमारा दुर्भाग्य है कि देश आज़ाद होने के बाद आज हम लोग सांप्रदायिक ताकतों की गिरफ्त के अंदर हैं और देश के अंदर हालात ये हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान था, उस संविधान से विपरीत वो ताकतें देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये सत्याग्रह 2 घंटे का 10 बजे से 12 बजे तक इसलिए रखा गया है। अभी आपने देखा होगा कि हाथरस के अंदर एक हमारी बच्ची जिसके साथ में दुष्कर्म किया गया और उसके साथ वो दुर्व्यवहार किया गया, वो यातनाएं उसे दी गई, उसकी गले की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, 14 दिन अस्पताल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और ये पहली बार देखने को मिला कि हर आदमी की मृत्यु के बाद उसके माँ बाप, उसके परिवार को उसको अंतिम संस्कार करने का हक होता है, लेकिन योगी जी की सरकार ने हठधर्मिता दिखाते हुए उनका वो अधिकार भी छीनने का काम किया और पेट्रोल डालकर उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया। किसी पत्रकार को नहीं जाने दिया, उस किसी प्रेस वाले को नहीं जाने दिया। जहाँ तक किसानों का मामला है, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश को चलाने वाला अगर कोई है तो वो किसान है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संसद के अंदर किसान विधेयक लेकर आई है, वो किसानों को गुलाम बनाने वाला है, कॉरपोरेट का गुलाम बनाने वाला है। जो MRP के अंदर रेट फिक्स होते थे वो ख़त्म करने की साजिश है, मंडियां ख़त्म करने की साजिश है। बुरी तरह से आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अभी बलरामपुर के अंदर, आज़मगढ़ के अंदर जगह जगह बलात्कार, हत्या, लूट, छिनैती, अपहरण और कानून व्यवस्था के दिखावे के तौर पर बेकसूर लोगों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता और अंग्रेज़ों की तरह से व्यवहार हो रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, झूठे मुकदमों में जेल भेजा जा रहा है। पूरी तरह से उत्पीड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में थी तो उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर कहा था कि हम नौजवानों को 2 करोड़ रोज़गार देने का काम करेंगे। लॉकडाउन लगने के बाद से इस देश के अंदर 4 करोड़ नौजवानों का रोज़गार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो बेरोज़गारी है। नौजवानों के रोज़गार छीनने का काम सरकार कर रही है। हम गांधी जी के चित्र के नीचे बैठकर, गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर आज यहाँ पर सारे समाजवादी पार्टी संकल्प करते हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर अनैतिक कार्य कर रही है, जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जिस तरह से किसानों को बर्बाद करने की साजिश है, जिस तरह से माँ बेटी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, उनके खिलाफ़ हम लोग निकल कर आंदोलन करेंगे और संकल्प लेते हैं कि 2022 के अंदर
उत्तर प्रदेश से और 2024 के अंदर देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।